हेलो एवरीवन, आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं संडे, खाना पीना सब हो गया है हमारा और अब मैं कर रही हूँ नामकरण की थोड़ी बहुत तैयारी। तो आज मैं सारे ऐसे खोल के बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी काम रह गया है वो सब निपटाऊँ। मैं ऊपर के लिए मैंने ऐसे वाले बैग्स बहुत सारे मंगवा के रखे हैं, भाभीियों के लिए अलग कलर है, किड्स के लिए अलग कलर है, इस तरीके से सारी गिफ्ट को पैक किया है उसके बाद ऊपर। हेलो एवरीवन, सो आपने आज का शॉट देख लिया है। आज क्या है, आज एक्चुअली है बेटू का नेम रिवीलिंग पार्टी और पीछे वो बहुत तेज़ हो रहा है क्योंकि उसकी मालिश चल रही है, इसीलिए पीछे की ओर से जब मालिश करते हैं और हाथ पैर में करते हैं तो बहुत हैप्पी रहता है, बट आगे की ओर जब चेस्ट में टमी में करते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाता है वो। सो एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग लिटिल फॉर द इवनिंग पार्टी। पार्टी 6:30 बजे से शुरू होने वाली है एंड किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से नेम रिवील करेंगे, क्या है हमारे छोटे से बेटू का नाम, वो सब कुछ आपको वीडियो में दिख जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी फिलहाल मेरी मालिश हो गई है, मैं 2 घंटे बाद में नहाने जाऊँगी। मैंने तो खाना खा लिया है और बेटे को भी सुला दिया है खाना खिला के, दूध पिला के, और अभी फिलहाल खाना खा के थोड़ा सा टाइम है रेस्ट करने का, वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट ही करना है, बिकॉज अगर 6:30 से प्रोग्राम शुरू है तो वी हैव टू गो लिटिल बिट अर्ली बिकॉज रिसीविंग करने के लिए, गेस्ट को रिसीव करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो डेकोरेशंस करा रहे हैं उनका भी एक चेक करना है। सो अनु अभी घर पर नहीं है, वो बाहर के कब का बाहर निकले हुए हैं, ऑफिस के बाद बाहर निकले थे, अभी तक घर नहीं आए, कुछ काम करेंगे उनका, तो बेचारा ड्रेस भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। अब चीज़ें जैसे होती रहेंगी वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे हम, एंड स्टे ट्यून्ड बेटू का नेम रिवीलिंग देखने के लिए। बिकॉज घर में बिल्कुल भी मेरे लिए मुझे टाइम नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं पार्लर गई तैयार होने के लिए। दिस वॉज माई फाइनल लुक, लेकिन मैंने फिर बाद में एंड में अपने लिपस्टिक का कलर चेंज कर लिया, मैंने डार्क कर लिया इसको। ये था हॉल का एंट्रेंस का डेकोरेशन, क्योंकि दिया और प्रियंका और पापा मम्मी पहले ही चले गए थे तो ये सब एक एक अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, बड़े मज़े कर रहे थे, अंदर की भी फ़ोटो ली इन्होंने सिंगल सिंगल। मुझे तो इस बार टाइम ही नहीं मिला, मैं हार्डली, अपना ही फंक्शन था बट बस 1 घंटे के लिए थी वहाँ पे मैं, बट मैंने कोशिश की मैं सबसे मिल पाऊँ। ये वो सारे रिटर्न गिफ्ट्स थे जो हमने गेस्ट को देनी थी। उसके बाद मैं और बेटू, पापा और मेरे पापा और सिस्टर, हम सब एक साथ आए अनु के साथ, और उसका जो एंट्रेंस है और अंदर का जो वीडियोग्राफी हुई है उसका मैं एक टीज़र आउट रिलीज़ करूँगी अपने चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द टीज़र ऑल्सो। आफ्टर आवर एंट्री बहुत सारा म्यूज़िक बजा, म्यूज़िक मतलब जो हमारे पहाड़ी कस्टम में हम ढोलकी बजा के जो वेलकमिंग करते हैं, बेबी के लिए गाना गाते हैं, वो सब किया। फिर उसके सबसे मिले हम, वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो थोड़ा थोड़ा। और फिर उसके बाद हमने नेम रिवील किया बेबी का, उससे पहले हमने सबसे पूछा, बट द नेम विच वी कैप्ट वो किसी के मुँह पर नहीं आया, एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि अगर किसी के मुँह पर आ जाता तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता, बट वो नहीं आया। एंड टू नो द नेम आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और फिर अब उसके बाद क्या हो ना, वहाँ जाके बेटू बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइजी था, इतने सारे लोग थे, इतने सारे लाइट्स थे, तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा वो क्रैंकी हो गया था, तो इसलिए हम ना फिर मैं आधे में ही आ गई, मैं और पहले तो मैं, बेटू और मेरी सिस्टर और पापा आए। फिर थोड़ी देर बाद इसके जैसे हम बाहर निकले ना हॉल से तो ये बिल्कुल ही शांत हो गया था। तो टू द अपकमिंग मदर्स, प्लीज़ प्रेफर दैट कि आप ना बेबीज़ को बहुत ज़्यादा शोर वाले जगह पे मत ले जाओ, और अगर ले भी जाते तो जल्दी वाइंड ऑफ करने की कोशिश करो, बिकॉज़ ना क्या होता है कि बेबीज़ ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप बहुत ज़्यादा देर के लिए उनको इतनी सारी भीड़ वाली जगह पे मत ना रखें। और उसके बाद फिर हम घर आए, फिर घर जैसे ही हम आए ना तो बिल्कुल शांत हो गया, खेलने लग गया, फिर थोड़ा सा फीड वीड कराया मैंने उसको, उसके बाद फिर अभी खेल ही रहा है वो, बट अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मम्मा आ गई है, अब प्रियंका और पापा गए थे वापस, क्योंकि उन्होंने खाना वाना भी नहीं खाया था, तो अब वो वापस गए हैं वहाँ पर, और अब आई थिंक इट इज अभी 11:30 हो रहा है, सब कुछ वाइंड ऑफ करके वो आ रहे हैं। बेटी को कौन कौन सा गिफ्ट मिला है ये देखने के लिए मैं इसका मैं अलग ही एक ब्लॉग बनाऊंगी, एंड उससे पहले जितने भी फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फ्रेंड्स
फ्रेंड्स जो सब आए हैं और जो नहीं भी आए आप आए हैं, उन्होंने जितने भी विशेस भेजे हैं हमारे बेटू के लिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग एंड ब्रिंगिंग आउट द टाइम एंड आप सब आए, थैंक यू सो मच एंड मेकिंग इट अ मोर फन एंड वंडरफुल फंक्शन फॉर हिम. अभी तो वो बहुत छोटा ही नहीं समझता है, बट जब वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो समझेगा एंड आई विल बी सो हैप्पी फॉर दैट. सो आगे का जो इसका गिफ्ट्स का वीडियो है वो हम थोड़ी देर बाद. सर थोड़ा सा साइड एंगल, एक सेकंड. What's the name? Darshil. Very nice. देखो क्या नाम है उसका, पढ़ो. दर्शील. पढ़ अभी. दर्शील. 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 दर्